गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल्स मंथन आज हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इकॉनॉमी क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी पी सो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हम इसमें सारा कवर करेंगे एंड वी कैन अश्योर यू अगर आप इसको ठीक से फॉलो करते हैं मोर देन एटी परसेंट क्वेश्चन आप प्रबलम्स के ईजीली सॉल्व कर पाएंगे सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फर्स्ट चैप्टर इसमें है दट इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी एंड द फर्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग प्रोडक्शन सो हियर इट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज द फर्स्ट वन सो आपको ध्यान में रखना है कि चार आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये वो फैक्टर्स हैं तो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं आपको डायरेक्टली याद रखना है लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रोन्यरशिप दीज आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कौन करता है हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री ठीक है नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम ये जो भी फैक्टर्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसके थ्रू कुछ इनकम जनरेट होती है फैक्टर इनकम बोलते हैं लाइक रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट सपोज करते लैंड है लैंड आपका वन ऑफ द फैक्टर है अब इस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इसकी वजह से बिकॉज लैंड अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वो फैक्ट्री ओनर लैंड के ऊपर अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है उसको रेंट देना पड़ेगा सो दैट इज द फैक्ट्री इनकम सेम वे अगर लेबर हमने लगाई हुई है फैक्ट्री के अंदर उसके बदले उसको वेजेस देने पड़ेंगे अगर कैपिटल मार्केट से लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स बेसिकली फॉर द एंटरप्रेन्योर जो उसके लिए एक मार्जिन uh, होता है वट एवर द इंडस्ट्रीस्ट इन्वेस्ट ऑन दैट सो so, ये हर एक फैक्टर के लिए उसके लिए अपनी पर्टिकुलर इनकम है फॉर एग्जाम्पल लैंड जिसका है उसको रेंट मिलेगा उसके बदले सो so, लैंड की वजह से एक इनकम जनरेट हुई है लेबर जो है उनको वेजेस मिलेंगे तो वो वेजेस उन लेबर के लिए फैक्टर इनकम हुआ सेम में जो कैपिटल लोन लिया मार्केट से जो जिसने भी वो लोन दिया है लैंडिंग की है उसको उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा सो so, वो उस पर्सन के लिए फैक्टर इनकम हुआ प्रॉफिट जो भी एंटरप्रन्योर है तो एक एंटरप्रन्योर के लिए उसको प्रॉफिट जनरेट होता है राइट right? जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है सो so, ये प्रॉफिट किसका फैक्टर इनकम उस का फैक्टर इनकम कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज नॉन फैक्टर इनकम यहां पर आपके जो कि कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्सीपियो ये फैक्टर जिसको ये इनकम मिलता है मनी रिसीव होता है उसको कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता फॉर एग्जाम्पल लैंड दिया, अपना दिया है अपना लैंड दिया हुआ है कैपिटल के लिए कैपिटल दिया हुआ है राइट right? इंटरेस्ट के लिए कैपिटल दिया हुआ है रेंट के लिए लैंड दिया हुआ है लेबर वेजेस uh, के लिए लेबर दिया हुआ है तो वो आपका फैक्टर फैक्टर इनकम हुआ लेकिन यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा दीज आर ट्रांसफ़र इनकम्स लाइक गिफ्ट मिला है डोनेशन मिला है तो उसके बदले कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है जिसको भी ये इनकम जनरेट हुई है तो हम इसको क्या बोलेंगे ट्रांसफर इनकम एंड दीज नॉन फैक्टर इनकम दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम नेशनल इनकम निकालते हुए नॉन फैक्टर इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं तो गिफ्ट एंड डोनेशन दे आर नॉन फैक्टर इनकम और इनकम क्या बोलेंगे ट्रांसफर इनकम राइट ये क्वेश्चन है एनआईएस से हमने जनरेट किया दी ये जो मेटीरियल है एनसीआर एंड बुक्स हु आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कंट्री जो फैक्टर है so, ये क्या होगा? C, तो कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल फॉर्मेशन होती है कोई भी सपोज करते हैं कोई फैक्टर इनकम से कुछ इनकम जनरेट हुई उस इनकम जनरेट होने के बाद वो पर्टिकुलर कोई भी पर्सन जो है उसका कुछ पार्ट कंजम्पशन में इन्वॉल्व करेगा कंजम्पशन से जो बच जाएगा उसको सेविंग में इंक्लूड करेगा सो so, जो सेविंग है राइट right? सेविंग क्या करेगा ये एज्यूम कि ये जो है इस सेविंग को बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहा है ये जो तो बैंक्स में जो पैसा जाएगा इस पैसे का क्या होगा इस पैसे को बैंक्स आगे लैंड करेंगे किसको लैंड करेंगे इंडस्ट्रलिस्ट को लैंड करेंगे इंडस्ट्रीज को लैंडिंग हुई उस इंडस्ट्रीज को लैंडिंग की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट हुई में इन्वेस्ट किया machineries में invest किया, building में invest किया, किया, so, सो इसकी वजह से दीज कैपिटल ये जो कैपिटल स्टॉक्स है लाइक प्लांट मशीनरी बिल्डिंग इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है ये एक्सपेंड हो रहा है आपका सो so, हो क्या रहा है इसे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है सो इट मीन वट एवर द इन्वेस्टमेंट इज डन इट इज लिंक टू द कैपिटल फॉर्मेशन उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है और कैपिटल फॉर्मेशन होने से क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ ये डायरेक्टली लिंक रही है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन इसकी वजह से इट इज डायरेक्टली लिंक टू इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है ठीक है क्वेश्चन करते हैं नेशनल इनकम कैन बी इंक्रीज बाय सो एक बात और इस पूरे कंप्लीट कोर्स में हम वी विल डू क्वेश्चंस एज वेल साइड बाय साइड सो दैट आपको पता लगता रहे कि आप हम जो uh, पढ़ाई कर रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है और आप कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं तो so, इसमें क्वेश्चन होंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के यू एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है लाइक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो आई का एग्जाम होता है फॉर एन डी ए सी डी एस सो ओल्ड डिफरेंट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम एज वेल तो जहाँ जहाँ पर यू पी एस सी ने क्वेश्चन पूछे फ्रॉम

हजार तेरह का क्वेश्चन है यूपीएससी में आया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री में जरूर होगी अगर टेक्निकल प्रोग्रेस है वर्ल्ड इकोनॉमी में अभी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है उस कंट्री की बात नहीं है तो हो सकता है चांसेस बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमी में हो सकता है हमारी इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं है तो जरूरी नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ है एक्स कंट्री में भैया अगर पॉपुलेशन ग्रोथ है लेकिन सारा वो अगर आपके अनएजुकेटेड अनस्किल्ड है तो क्या होगा वो उधर डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स कंट्री अगर उस कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन है अभी हमने पढ़ा कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होना है तो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया सी कैपिटल फॉर्मेशन कम टू द नेक्स्ट इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो तो आपका क्या है कैपिटल और आउटपुट का रेशियो है इन द इंक्रीमेंटल लेवल तब डायरेक्टली ले अगर हम देखें इसको इट मींस कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट इसमें इंक्रीमेंट को मेजर कर रहा है राइट right? अब अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है इसका मतलब क्या हुआ कैपिटल आउटपुट रेशियो तभी हाई होगा जब कैपिटल हाई है एंड आउटपुट इज लो अगर आप कैपिटल हाई जा रहा है इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और आउटपुट अगर लो है तो इसकी इसका मतलब क्या आउटपुट अगर पूरे इकोनॉमी के आउटपुट अगर आपकी कम हो जाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट uh, के बावजूद जो है तो इसका मतलब इनएफिशियसी है कंट्री के अंदर इकोनॉमी में इनएफिशंसी है राइट right? तो ये इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रपोर्शनल रिलेटेड है टू द सी इन द इकोनॉमी सो आईसीओ आर हम देखते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी उसे आउटपुट कितना आ रहा है सो आईसीओ आर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है इसका मतलब प्रोडक्टिविटी लो है आपकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है आपने जो इनपुट लगाई है उसके बदले आउटपुट कितनी मिली है इनपुट आप लगाए जा रहे हो आउटपुट उसके हिसाब से नहीं है उतना राइट right? क्वेश्चन करते हैं द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इज इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन ये कह रहे कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है हाई रेट रेट ऑफ सेविंग भी भी है फिर भी आपको low growth rate है फिर आपका लो ग्रोथ ठीक है हाई बर्थ रेट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है नहीं कह सकते लो लेवल ऑफ फॉरन एड ये भी नहीं कह सकते लो कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो अब इन दोनों में से आपको देखना है राइट right? अभी हमने देखा कि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है इसका मतलब प्रोडक्टिविटी लो है यहां पर तो लो ग्रोथ रेट होगी सो डिस्पाइट कैपिटल 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 फॉर्मेशन फॉर्मेशन कि हो रही है है इन्वेस्टमेंट हाई बट स्टिल आउटपुट इज लो मीन प्रोडक्टिविटी इज लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज लो सो इट मीन हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द आंसर अब सिमिलर क्वेश्चन वॉज आस्ड इन यूपीएससी प्रब्लम 2018. हजार अठारह डिस्पाइट बींग हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मेनोट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू कह हाई है और कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है ठीक है लेकिन ये कैपिटल फॉर्मेशन के बावजूद आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है क्यों हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो ठीक है ये डायरेक्ट आंसर हो जाता है इसका कमिंग टू द नेक्स्ट वन इट टॉक्स अबाउट सर्टेन इकोनॉमिस्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा इसके अलावा uh, केवल इंडियन इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड विद एडम स्मिथ से स्टार्ट किया उन्होंने तो ये बात कर रहे हैं कि जो एडम स्मिथ हैं उनकी वेल्थ ऑफ द नेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा एडम स्मिथ का सो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं ये क्वेश्चन ही आते हैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग uh, के लिए कौटिल् और चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्रा लिखा था आपको पता है ठीक है अर्थशास्त्र नाम से पता लगा अर्थशास्त्र अर्थ आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप कह सकते हैं बट अगर क्वेश्चन आता अर्थशास्त्र आपका इकोनॉमिक्स की बुक है किसकी है इट इज पॉलिटिकल ट्रेटाइज ये पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग था तो वहां पर गलती नहीं करना आपको ठीक है दादा भाई नारो के बारे में दादा भाई नारो को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एंड इकोनॉमिक्स में वो पाइनियर थे और इनका जो एक कंट्रीब्यूशन था कि फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन 1876 इन्होंने प्रिपेयर किया था क्या किया जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने नेशनल इनकम का फर्स्ट एस्टिमेट इन 1876 प्रिपेयर किया सेकंड वी के आर वी राव साहब हैं ये भी एक प्रोमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने साइंटिफिक प्रोसीजर अडॉप्ट किया था इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम पी सी हैं महालानोबिस मॉडल आपको पता पता होगा इन सेकेंड फाइव ईयर प्लान सो so, माल एनोबिस मॉडल हम क्या यूज करते हैं सेकेंड ईयर प्लान में फोकस था ऑन द इंडस्ट्राइजेशन कि हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे और उसकी वजह से बेनिफिट ट्रिकल डाउन होगा टू द ऑल द लोअर इंडस्ट्रीज एज वेल सो पी सी so, माह एनोबिस के ऊपर बेस्ड एक मॉडल था एक सेकेंड ईयर प्लान का प्रोफेसर अमृता सेन इकोनॉमिस्ट हैं इनको नोबल प्राइज भी मिला है फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन नाइनटीन नाइनटी एट तो जस्ट एक उस नाम थे डायरेक्टली आजकल क्वेश्चन नहीं आता जस्ट टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग मेन्स में आपको कहीं अगर यूज करना हो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं uh, डायरेक्टली नहीं बट इन समवेयर यू कैन और मालनो भी इस मॉडल लिए तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली ब्रांचिज ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड माइक्रो दो ब्रांचेज हैं मेजर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के नाम में आप देखो माइक्रो का मतलब छोटा सो so, अगर इकोनॉमी किसी एक छोटे पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है छोटे पार्ट की हम इकानमी को समझने की ट्राई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल बायर और सेलर के बारे में किसी इंडिविजुअल फर्म या किसी कंपनी के बारे में फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मारुति की सेल्स के ऊपर कोई अगर आ, आ, कुछ अगर डिस्कशन है अगर इकॉनॉमी रिलेटेड कुछ एनालिसिस है तो क्या होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा वेर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस ओवरऑल इकोनॉमी की पूरे कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत लार्ज स्केल पे हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पूरी कंट्री की जी राइट नेक्स्ट आपका ये भी कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है नेशनल इनकम कितना है, ये लार्ज लेवल पे हम बात करते हैं दैट इज पार्ट ऑफ मैक्रो देन ओनरशिप पे कंट्रोल कंट्रोल ओवर द के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इकोनॉमीज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया तीन पार्ट्स में मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेकेंडली सेंट्रली प्लैंड और सोशलिस्ट इकोनॉमी थर्ड इज मिक्सड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है जो कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डायरेक्टली सो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें मिनिमम होता है राइट सो यहाँ पर टोटली ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक तरह से आजकल तो वैसे कम्पलीट प्योर कैपिटलिज्म कहीं पर भी नहीं है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का रेगुलेशन आजकल हर एक कंट्री में इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल बट फिर भी आप मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को कह सकते हैं यूएसए यूके फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो मार्केट या कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी आप कह सकते हैं सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी यह ये वो इकोनॉमीज है जहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड यानी इकोनॉमी प्लैंड होती आपकी, है आपकी यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है गवर्नमेंट रेगुलेट करता है जैसे फॉर एग्जांपल इन द इनिशियल इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में इंडिया की इकोनॉमी भी सेंट्रली प्लान थी

कंप्लीट uh, तो कोई एग्जाम्पल नहीं बट स्टिल सोवियत यूनियन स्टार्टिंग में हम सेंट्रली का एग्जाम्पल देते हैं राइट नॉर्थ कोरिया भी आप कह सकते हैं डेफिनेटली सेंट्रली सो दीज आर फ्यू पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है मार्केट केवल डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस नहीं होता है राइट फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर कंप्लीटली फुल फ्रीडम से काम नहीं करता है वहां पर मिक्स इकोनॉमी जहां पर दोनों फीचर्स को

y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इसको याद कर लेना है ठीक है c इक्वल्स सॉरी y इक्वल्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम सी आपका क्या है सी आपका कंजम्पशन i इन्वेस्टमेंट g गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर x एक्सपोर्ट्स और m इम्पोर्ट्स सो नेशनल इनकम y इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इसको याद रखना है C I G X में में बताया थोड़ा। देखो नाम से पता लग रहा open economy, means economy open है है। के साथ राइट सो इट का मतलब इंटरकनेक्शन का मतलब है कि ट्रेड हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सो ओपन इकोनॉमी का बेसिक फीचर क्या हुआ आपका कि ट्रेड हो रहा है इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई बाहर से कोई रिलेशन नहीं रिलेशन नहीं है कोई ट्रेड नहीं, नहीं है कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है दैट डोमेस्टिक डिमांड ऑफ द गुड्स ठीक है प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कैसे थोड़ा समझते हैं इसको अब देखो ओपन इकोनॉमी में क्या होगा डिमांड कहां से आएगी कोई भी एक्सपोज करते हैं गुड्स कोई मैन्यक्चर कोई भी मैनुफैक्चरिंग होती है कोई भी गुड्स बनते हैं उन गुड्स की इकोनॉमी में डिमांड कहाँ से आएगी या तो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही डिमांड होगी वहीं के डोमेस्टिक कंट्री के लोग ही उसकी कंजम्पशन करना चाहेंगे तो डिमांड डोमेस्टिक कंट्री से जनरेट हो रही है या फिर दूसरे कंट्री से भी डिमांड आएगी क्योंकि ट्रेड होता है ओपन इकोनॉमी में तो हो सकता है दूसरे कंट्री से डिमांड हो तो हम एक्सपोर्ट करते हो वो डिमांड आएगी लेकिन एक डिमांड कम भी होगी कौन सी जो सेम प्रोडक्ट जो बा, जो बाहर से यहां पर आ रहा है तो वो हमारी लोकल डिमांड को कम करेगा तो उस इंपोर्ट को माइनस कर देंगे समझ में आ रहा है ठीक है सो डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स अगर ओपन इकोनॉमी में निकालेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स की डोमेस्टिक uh, डिमांड कितनी है तो उस गुड्स की कंट्री के अंदर प्लस में एक्सपोर्ट क्योंकि वो एक्सपोर्ट जो बाहर जाएंगे तो बाहर अपनी प्रोडक्ट्स की डिमांड बाहर दूसरे कंट्री में माइनस इंपोर्ट्स क्योंकि कुछ डिमांड कम हो रही है क्योंकि हम बाहर से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर ले रहे हैं सो दैट इज द ओपन इकोनॉमी की बात हो रही है अगर क्लोज इकोनॉमी है तो सेम ही रहेगा आपका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा ही नहीं तो वही चीज सेम रह जाएगी तो यहाँ पर आपकी सेविंग जो भी आपका जीडीपी है जीएनपी है ये दोनों सेम होगा डिटेल में हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जीडीपी जीएनपी के बारे में तो क्लोज इकोनॉमी में ज्यादा कुछ पंगा नहीं है सेम इक्वल उतना ही रहता है ओपन इकोनॉमी की ज्यादातर कंट्रीज आजकल ओपन इकोनॉमी ही है Uh, हर कोई कंट्री ट्रेड करता है क्लोज इकोनॉमी का कोई कंप्लीट कोई एग्जांपल नहीं है नॉर्थ कोरिया कुछ हद तक कह सकते हैं बट ये भी ट्रेड तो करता है चाइना के साथ ट्रेड करता है सो वी कांट से इट कंप्लीटली क्लोज इकोनॉमी क्वेश्चन करते हैं इन एन इन एन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इनकम वाई ऑफ द इकोनॉमीज इकोनॉमी इज आपका सी आई जी एक्स और एम बताया कंजम्पन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो अभी हमने क्वेश्चन याद की थी आपको ध्यान होगा बताइए क्या थी है? y इक्वल्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम तो आपने प्रिलिम्स का क्वेश्चन सोल्व कर लिया यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2011 हजार ग्यारह का क्वेश्चन था प्रिलम्स का क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है क्लोज है ना तो इम्पोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा डी इज द आंसर नीदर एक्सपोर्ट नोर इम्पोर्ट चलो आगे चलते हैं दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट क्या है यहां पर आपको समझना है कि फिक्स्ड कॉस्ट ये वो कॉस्ट है सपोज किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती है अगर वो कॉस्ट आउटपुट में चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती है सो फिक्स्ड कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल रेंट अगर कोई फैक्ट्री काम कर रही है रेंट तो उसे देना ही पड़ेगा आउटपुट चाहे वो कितने करे कम भी हो रही तब भी रेंट उसको पे करना पड़ेगा राइट right? लेबर है भाई मजदूर रखे हुए हैं सॉरी लेबर uh, आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा क्योंकि आपकी लेबर uh, कम और ज्यादा हो सकती है बट फिक्स्ड कॉस्ट आपका रेंटल आप कह सकते हो या फिर आपने कुछ लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना है ठीक है तो वो इंटरेस्ट जो पे किया वो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है राइट वेरिएबल कॉस्ट ये वो कॉस्ट है जो कि वेरी करेगी विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट आउटपुट आपका चेंज हो रहा है तो उसके साथ में जो कॉस्ट वेरी करती है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल लेबर क्योंकि लेबर आपको आ, अगर आपको आउटपुट बढ़ानी है तो लेबर आप ज्यादा लगा देते हो तो वेरिएबल कॉस्ट है लेबर कम होगी तो कॉस्ट कम आएगी ज्यादा होगी ज्यादा आएगी रॉ मेटेरियल आउटपुट बढ़ा रहे हो तो रॉ मेटेरियल आपका बढ़ेगा रॉ मेटेरियल बढ़ेगा तो कॉस्ट आपकी है, तो बढ़ गई तो वेरिएबल कॉस्ट आपका हुआ इज ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस है इट मीनस देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस ओके इस पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है और इस पॉइंट से पहले फर्म को लॉस हो रहा होता है सो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर नो प्रॉफिट नो लॉस इस पॉइंट के बाद अब जो है प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा नेक्स्ट शटडाउन पॉइंट ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर किसी फैक्ट्री या फर्म को बंद कर देना चाहिए ठीक है अब ये डिसाइड कैसे होगा कि ये पॉइंट आ गया कि हमें फैक्ट्री को शट डाउन करना है ये ये कहता है एज पर ऑफ इकोनॉमी कि अगर आपकी आउटपुट से आप जो भी काम कर रहे हैं फैक्ट कोई भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस से अगर आप अपनी वेरिएबल कोस्ट को कवर कर पा रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है अगर आपका जो भी रेवेन्यू आ रहा है उससे अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है तब तो आप कंटिन्यू कर सकते हो प्रोडक्शन एक्टिविटी को लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही है तो आपको शट डाउन कर देना चाहिए अपनी फैक्ट्री या काम को प्रोडक्शन को क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो होनी है आपकी फिक्स कॉस्ट तो आपकी प्रोडक्शन uh, कम है ज्यादा है तो वो तो उतनी ही रहेगी ठीक है तो प्रोडक्शन आप बढ़ा के राइट right, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपकी कवर अप हो रही है तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे आप पहुंच गए हो आप पर्टिकुलर लेवल पे हो यहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रही है हो सकता है आप प्रोडक्शन आप बढ़ाओ तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाए और आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओ और उसके बाद आपकी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप जो आप इनपुट लगा रहे हो जो आपकी रॉ मेटेरियल है जो आपकी लेबर है आप उसी की कॉस्ट पूरा नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब इनएफिशिएंसी है तो आप अगर और बढ़ाओगे भी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट और इंक्रीज कर जाएगी और कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे सो तो वहाँ पर आपको शट डाउन कर देना चाहिए नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बारे में क्या बता रहा है कि ये वो एडिशनल कॉस्ट है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे आती है यानी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा अगर है तो उस एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ है कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है तो किस पे डिपेंड depend करेगा डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज फिक्स कॉस्ट आपकी कॉन्स्टेंट है on every additional production. Then marginal product. Marginal product क्या होता है कि हर एक extra unit of input पे कितना आपका output add हुआ है वो आपका marginal product है यानी अगर आपने एक unit input की बढ़ाई है तो उससे आपका output कितना unit बढ़ा है that is a marginal product. And we have this law. Law of डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इसको ध्यान में रखना है क्या ये लो है ये कह रहा है कि अगर हम यूनिट इनपुट्स uh, को इंक्रीज करते हैं कि इंक्रीजिंग द इनपुट्स तो विद अदर इनपुट्स फिक्सड ठीक है दूसरे इनपुट्स फिक्स रख लिए सो मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली तो राइज करेगा अप टू ए सर्टेन पॉइंट उसके बाद अगर हम ओवर इनपुट लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो आउटपुट जो आपका है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा यानी एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर आप इनपुट इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपका आउटपुट इंक्रीज कर रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपका आउटपुट डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगा तो देखो नाम ये डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग मतलब कम होना सो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट सो मार्जिनल प्रोडक्ट यानी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या पड़ा था कि एक यूनिट इनपुट एक लगाई तो आउटपुट कितना यूनिट आपका इंक्रीज हुआ है ठीक है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट देन मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या होता है कि satisfaction कितना ड्राइव हो रहा है यूटिलिटी कितनी ड्राइव हो रही है कि एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी ड्राइड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल इनपुट ऑफ यूनिट ऑफ कॉम्योडिटी कोई भी एक आपने एडिशनल कोई भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी अगर आपने एक एडिशनल कंज्यूम की है तो उसकी वजह से यूटिलिटी कितनी है उसकी सेटिसफैक्शन आपको कितना मिला उससे तो वो मार्जिनल यूटिलिटी है तो यहां पर कौन सा लो है लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सो दोनों में आपने पढ़ा लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कि आप इनपुट बढ़ाए जा रहे हो एक लेवल तक तो आपका आउटपुट बढ़ेगा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा उसके बाद डिक्लाइन करेगा सेम वे यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो एक लेवल तक तो आपका सेटिसफैक्शन लेवल बढ़ेगा आपको मजा आएगा स्टार्टिंग में आप खाना खा रहे हो सपोज करते हैं एक रोटी खाई दो रोटी खाई तीन खाई चार खाई स्टार्टिंग में तो आपका एक दो रोटी तक तो आपका सेटिसफेक्शन लेवल बढ़ रहा है लेकिन चार पांच रोटी के बाद हो सकता है आपको लगे फिर कब तक खाओगे आठ दस इससे ज्यादा थोड़ा ना खा लोगे ठीक है तो यहां पर आपकी यूटिलिटी कम हो रही है वहां पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डिमिनिश हो रहा है सो लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अब कुछ फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी अब क्या क्या फैक्टर्स हैं अगर डिमांड किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं देख लेते हैं कि क्या प्राइस है डेफिनेटली प्राइस अफेक्ट करेगा डिमांड को क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड कम हो जाएगी सिंपल आपका लो ऑफ डिमांड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भैया उस कमोडिटी की बात नहीं कर रिलेटेड कमोडिटी की तो आपकी रिलेटेड कमोडिटी क्या हो सकती है आपका सब्सिट्यूट गुड भी हो सकता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स

कमोडिटी की इनकम uh, बायर की इंक्रीज होती है तो कमोडिटी में क्या फर्क पड़ेगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द दायरस भी डिपेंड करेगा डिमांड का कमोडिटी का सो वन बाई वन विल डिस्कस दिस इन द बिलो डिस्कशन एक क्वेश्चन है यूपीएससी का ही अकॉर्डिंग टू लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर अमाउंट इंक्रीज करता है गुड्स के कंजम्पशन का तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड टेंड्स टू डिमिनिश हमने पढ़ा है दोनों में देर इज लो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड इज लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सो ला नाउ डिस्कस दो द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड ऑफ द कम्योडिटी तो फर्स्ट हमने क्या फैक्टर पढ़ा था प्राइस ऑफ द कम्युनिटी की, की प्राइस है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा डिमांड पे तो यहां पर हमारे पास लो है. लो क्या लो डिमांड लो ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड ऑफ गुड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस तो डिमांड एंड प्राइस बहुत इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है इस तरह से आपका डिमांड करो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे होता है कि ऊपर की तरफ जाता है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिक्लाइनिंग फॉर एग्जाम्पल दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग सो यहां पर लोफ डिमांड के अंदर आपका डिमांड करो आपका डाउन स्लोपिंग है तो क्या कह रहा है अब देखो यहां पर प्राइस को हमने वेरी करना है तो जनरली एक चीज ध्यान में रखनी इकोनॉमी में वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी जो भी आपका वेरिएबल है उसको हम वेरी करेंगे और फिर हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे जो है उसके ऊपर इफेक्ट देखते हैं जनरली तो क्या होता है कि वैसे नॉर्मल मैथ्स या कहीं भी आप पढ़ते होंगे तो ओरिजेंटल एक्सेस वाले को वेरी करते हैं और वर्टिकल uh, एक्सेस वाले को एक्स को वेरी करते हैं और वाई और वर्टिकल एक्सेस जो वाई होता है वाई एक्सेस उसके अकॉर्डिंग हम चेंज देखते हैं बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर ज़्यादातर जो आपके ग्राफ्स हैं कर्व्स हैं वहाँ पर हम इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वर्टिकल एक्सेस पे है उसको हम वेरी करते हैं और होरिजेंटल एक्सेस पे उसका रिजल्ट देखा जाता है सो तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस वर्टिकल एक्सेस पे तो प्राइस को हम वेरी करेंगे प्राइस अगर आपका कम हो रहा है ठीक है प्राइस कम यहाँ पर हो रहा है देखो इस कॉर के अकॉर्डिंग देखो प्राइस कम यहाँ पर तो क्या हो रहा है डिमांड बढ़ रही है ठीक है सिंपल सा ग्राफ है इसको समझना है और कुछ नहीं है कुछ एक्सेप्शन है लो डिमांड की दो मेजर एक्सेप्शन है गिफिन गुड्स की एंड स्टेटस गुड्स या वेबलन गुड्स गिफिन गुड्स कौन से स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है इन्फीरियर गुड्स होते हैं जो कि सस्ते प्रोडक्ट्स uh, होते हैं लाइक like, uh, जो कि एक तो सुपीरियर गुड्स हैं जो लग्जरी गुड्स होते हैं और कुछ आपके इन्फीरियर गुड्स होते हैं इन्फीरियर गुड्स होते हैं जैसे कि गेहूँ आटा चावल दाल बाजरा इस तरह कोई भी आपका आइटम है जो कि सस्ती होती है वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं तो इन्फीरियर गुड्स आपके लो ऑफ डिमांड को नहीं फॉलो करते हैं ठीक है आपको ध्यान में रखना है और गिफिन गुड्स वो स्पेशल तरह के जो इन्फीरियर गुड्स हैं जो कि लो ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि अगर आ, प्राइस इनका बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि इसकी कमी होने वाली है ठीक है सपोज करते हैं आज के टाइम में लॉकडाउन चल रहा था जो भी है तो एकदम से लोगों को लगने लगा कि अगर प्राइस बढ़ने लग जाए चीजों के तो लोगों को लगने लगेगा कि अब तो ये चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग कालाबाजारी स्टार्ट कर देते हैं होर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं राइट जमाखोरी स्टार्ट कर देते हैं सो गिफिन गुड्स लो डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं यहां पर प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ रही है ना कि कम हो रही है जो जनरली लो डिमांड कहती है सेकेंडली स्टेटस सिंबल गुड्स या वेबलन गुड्स एक टी वेबलन एक सोशलिस्ट थे उन्होंने बोला था कि कॉन्सपीक्यूस कंजम्पशन के बारे में सो कॉन्सपीस गुड्स भी कह सकते हैं लग्जरी गुड्स भी बोल सकते हैं सुपीरियर गुड्स भी बोल सकते हैं स्टेटस गुड्स भी बोल सकते हैं सो so, जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके रिगार्डिंग है तो जैसे इनका प्राइस बढ़ता है तो उनका स्टेटस बढ़ जाता है ठीक है जैसे कुछ महंगे आइटम्स आईफोन लेना अब एक तरह से स्टेटस गुड है राइट या फिर महंगी गाड़ियां लेना है ना तो वो आपके स्टेटस गुड्स है वेबलन गुड्स है यहां पर प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ रही है जबकि जनरली लो डिमांड क्या बोलता है प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम होनी चाहिए यहां पर लो डिमांड का एक्सेप्शन है ये ध्यान में रखना है अब ये लो डिमांड के लिए कुछ एजम्पन हैं फर्स्ट वन कहता है कि जो सब्सिट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइसेस चेंज नहीं होने चाहिए अब सब्सिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक, के एक की जगह हम दूसरा यूज कर पाए एक गुड की बजाय उनके सब्सिट्यूट पे सो so, चाय की बजाय कॉफी यूज करना एक तरह का सब्सिट्यूट गुड है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डो नॉट चेंज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस भी चेंज नहीं होने चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक के साथ दूसरा चाय पत्ती के साथ शुगर चीनी पेन के साथ इंक इनकम ऑफ बायर रिमेन्स द सेम बायर की इनकम भी सेम होनी चाहिए

डी यहाँ पर क्या कहता है नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस में भी चेंज नहीं होना चाहिए कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड बाय डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऐसा तो कोई हम नहीं पढ़ा हमने अभी ठीक है ना फोर्थ कौन सा था जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में था सो so, इजीली हमने क्वेश्चन कर लिया नाउ वन बाय वन विल डिस्कस ऑल दीज सडेन uh, एजमशन जो इससे पहले हमने देखा था कि लो डिमांड uh, के रिगार्डिंग जो है क्या क्या आपको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो डिमांड को आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें तो एक आपका है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स तो रिलेटेड गुड्स में आपके दो तरह के गुड्स आपने बताए जो हमने डिस्कस कर चुके ऑलरेडी फर्स्ट वन इज सब्सिट्यूट्स राइट या ऑल्टरनेटिव एक के जगह पर दूसरा तो यानी चाय की बजाय कॉफी दैट इज अब्सिट्यूट गुड्स सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से है? जो एक के साथ दूसरा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड टी सो होगा क्या इसमें कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे यहां पे तो अगर शुगर के प्राइस इंक्रीज करते हैं सो ओवरऑल जो टी है राइट right? सो so, यहां पर क्या होगा डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सो so, डिमांड उस कमोडिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस है यानी शुगर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है चाय का तो अगर शुगर के प्राइस बढ़ते हैं तो टी की डिमांड कम हो जाएगी राइट ओवरऑल चाय बनाने का तो आपका खर्चा बढ़ रहा है ना ठीक है ना केवल चाय पत्ती खरीद के तो नहीं होगा सो so, अगर शुगर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो जो ऑल्टर इसका ऑल्टरनेट गुड्स था आपका जो आपके है चाय पत्ती है उसकी डिमांड आपकी कम हो गई है जबकि हम देखें इसमें फॉर द दब्सिट्यूट गुड सब्सिट्यूट गुड्स में क्या होता है एक की जगह पर दूसरा यानी चाय की जगह पर कॉफी अगर कॉफी के रेट बढ़ गए तो उससे क्या होगा उससे चाय की डिमांड बढ़ जाएगी राइट right? बिकॉज लोग जो है कॉफी पीने के बजाय चाय पीना स्टार्ट कर देंगे या फिर अगर चाय के रेट बढ़ जाए कॉफी से सपोज करो चाय के रेट जो है कॉफी के रेट के बराबर हो जाए कॉफी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा

उनकी डिमांड कम हो जाएगी अगर इनकम बढ़ रही है बिकॉज आप उनकी जगह पर दूसरे आइटम्स यूज करना स्टार्ट कर दोगे जो महंगे हैं फॉर एग्जाम्पल आप एक लेवल तक इन्फीरियर गुड्स को यूज़ करोगे ठीक है आप सपोज करते हैं जब इनकम कम है तो केवल दाल रोटी से काम चला रहे हो रोटी खा रहे हो ये खा रहे हो अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप पनीर खाने लग जाओगे ठीक है ना आपकी दाल की इनकी डिमांड कम होगी प्रोटीन आइटम्स आप लेने लग जाएंगे आपके फूड का जो है खाना तो आप खा रहे हो लेकिन उस खाने का जो प्रपोर्शन है वो चेंज हो रहा है जो आइटम्स चेंज हो रहे हैं आपके राइट right? इसके अलावा आप खाने पे एक लिमिट तक ही खर्च करोगे उसके अलावा क्या होगा भाई उससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते ना उसी से आप क्या करोगे उसके अलावा आप गाड़ियाँ खरीदोगे महंगे फोन खरीदोगे और खर्चे करोगे इधर उधर के सो so, आपकी जो डिमांड है इन्फीरियर गुड्स की वो कम हो जाएगी विद इंक्रीज इन इनकम ठीक है नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में तो आपको डिपेंड कर रहेगा डेफिनेटली कि टेस्ट या प्रेफरेंस क्या है बायर का उसके हिसाब से डिमांड चेंज होती है नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है इलास्टिसिटी से हमारा मतलब है कि रेस्पॉन्सिवनेस कितनी है ठीक है क्या मतलब समझे कि डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस कितनी है डिमांड की फोर चेंज इन इट्स प्राइस कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड कितने इजीली रेस्पोंड कर रही है इस चेंज इन प्राइस के साथ में कितना रेस्पॉन्ड कर रही है अगर बढ़िया से रेस्पॉन्स कर रही है मतलब कि प्राइस चेंज होते ही डिमांड में अच्छे से फ़र्क पड़ रहा है प्रपोर्शनेट फर्क पड़ रहा है तो क्या होगा उससे इसका मतलब वो इलास्टिक है अगर आप प्राइस चेंज हो जा रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बार बार वैरी कर रहा है लेकिन डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो क्या होगा वहाँ पर इन इलास्टिक होगा ठीक है अब ये यहां क्या बता रहा है डिमांड फॉर फूड डज नॉट चेंज मच इवन इफ द फूड प्राइसेस गोज अप तो कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जैसे कि मान लो खाने के आइटम्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड आपकी कम नहीं होगी यहाँ पे ठीक है बल्कि कई बार कहते हैं कि जो इन्फीरियर जैसे आपका गिफिन गुड्स थे इवन गिफिन गुड्स की तो डिमांड बढ़ जाती है जमाखोरी की वजह से ठीक है लेकिन यहाँ पर आपका कह रहा है कि डेफिनेटली डिमांड कम तो नहीं होगी आपकी है ना भोजा चेंज नहीं करेगा अगर आपको जितना खाना उतना तो खाओगे ही खाओगे समझ रहे हो खाना तो जो आपको खाना है खाओगे ही खाओगे चाहे प्राइसेस बढ़ जाए आप उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला सकते हो सो so, यहाँ पर क्या होगा इन इलास्टिक हुआ सो इसका डिमांड फॉर नेसेसिटी इज लाइकली टू तो बी इन इलास्टिक यानी तो रेस्पोंड नहीं करेगा इतना रेस्पॉन्सिवनेस नहीं है इतना इसके साथ में आपको याद में रखना है प्राइस हम ई e से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये क्या होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसको आप याद रखिए ई इक्वल्स परसेंटेज डेल्टा क्यू डेल्टा बाई चेंज सो परसेंटेज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पी क्यू इज द क्वान्टिटी पी इज द प्राइस इसको याद कर लो अच्छे से डायरेक्टली कोई पूछे इलास्टिसिटी मतलब कितना इजीली कर कितने आप ना क्वेश्चन की वजह से डिमांड फॉर मैंगोज डिक्लाइन फ्रॉम सौ से पचास प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ईक्स परसेंटेज चेंज इन डेल्टा परसेंटेज चेंज इन क्यू सो क्यू यानी आपका क्वांटिटी सो क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें कितना डिक्लाइन हुआ है सौ के पचास सौ किलो था पहले डिमांड अब कितना पचास किलो डिमांड है ठीक है सो so, कितना डिक्रीज हुआ पचास के जी डिक्रीज हुआ कितने पे सौ पे राइट अगर सौ पे पचास के जी डिक्रीज हुआ है तो कितने परसेंटेज डिक्लाइन हुआ फिफ्टी परसेंट क्योंकि सौ पे निकाल रहे हैं तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है सो so, हमने क्या निकाला यहां से डेल्टा परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी कितना है आपका फिफ्टी ये आपका फिफ्टी आ गया ठीक है अब आपका प्राइस देखते हैं सॉरी यहाँ पर हमने उल्टा ले लिया आपका चेंज जो डेल्टा क्यू निकाला परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू जो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो आपकी डिक्लाइन हुई है पचास किलो से पचास किलो डिक्लाइन हुई कितने के ऊपर निकाला है हंड्रेड के पे निकाला तो कितना डिक्लाइन फिफ्टी परसेंट ठीक है प्राइस कितना इंक्रीज हुआ पचास से 75 कितना पच्चीस रुपए इंक्रीज हुआ पचास पे तो ये भी कितना हुआ फिफ्टी परसेंट ठीक है तो ये आपका कितना आ गया वन आपका आंसर है नेक्स्ट लोव सप्लाई तो लोफ सप्लाई के बारे में यह आपका ग्राफ आपको याद रखना है ध्यान में रखना है लो सप्लाई आपका अपवर्ड स्लोपिंग है राइट यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, पर क्वांटिटी सप्लाइड क्यू और यहाँ पर पी प्राइस अपवर्ड स्लोपिंग है तो कहना क्या चाह रहे हैं फिर से आपको देखना है वेरी क्या करना है वर्टिकल एक्सिस वेरी करना है पी वेरी करना है तो ये कह रहे प्राइस अगर आप बढ़ाएंगे प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर जाएगी क्यों करेगी देखो वैसे अगर आप आ, इस लो के हिसाब से क्या करते हैं प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करेगी क्यों करेगी क्योंकि प्राइस अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा ज़्यादा होगा उनको लगेगा कि प्राइस बढ़ रहा है तो इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है ठीक है तो उनको लगेगा कि और प्रोडक्शन में करनी चाहिए ताकि सो so दैट हम मैक्सिम प्रॉफिट इंक्रीज मैक्सिम प्रॉफिट ले पाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए वो क्या करेंगे ज़्यादा सप्लाई कर देंगे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ जाएगी सो प्राइस इंक्रीज करने से इस तरह से सप्लाई बढ़ जा रही है आपकी ठीक है डायरेक्टली बता रहा है हाइयर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कोई इशू नहीं है बस इसको ये ध्यान में रखना है आ, वर्टिकल एक्सेस वाले को वेरी करना है ना कि ओरिजेंटल एक्सेस वाले को अगर आप क्यू को वेरी करेंगे तो ऐसा नहीं सोचना कि भाई क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है तो सप्लाइड क्वांटिटी ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा है ना देखने को तो लगता है सप्लाइड अगर क्वांटिटी ज्यादा तो प्राइस कम होना चाहिए बट हमको ये लो ऑफ सप्लाई के हिसाब से हमने क्या देखना है कि प्राइस को वेरी करने से सप्लाई पे क्या फर्क पड़ रहा है तो वर्टिकल एक्सेस को वेरी करो हॉरिजॉन्टल पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपका सप्लाई एंड डिमांड कर का दोनों एक साथ ले लिया सप्लाई कर्व देखा हमने ये आपका वर्ट ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और जहां जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस पॉइंट को अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस जबकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये आपका equilibrium point, equilibrium so, इस पॉइंट के ऊपर जो क्वांटिटी है वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और जो प्राइस है इस इक्विलिब्रियम प्राइस यानी ये आपका लो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अब आपके मार्केट में प्राइस क्या है और क्या क्वांटिटी इन सप्लाई है आपकी तो यहां से एग्जैक्टली exactly हमें पता लगता है दोनों को एक साथ देख के डिमांड एंड सप्लाई कर को एक साथ मर्ज करने के बाद अब हम शिफ्ट करके देखते हैं तो सेम आपका ग्राफ है एक तरफ ब्लू uh, आपकी जो है ये सप्लाई कर है एंड रेड आपकी डिमांड कर है ठीक है तो यहाँ पर सप्लाई कर को हमने सेम रखा है डिमांड कर को मूव किया है डी से डी पे तो D1 से D2 जब मूव किया इन्होंने यहाँ पर ऐसे इस मोमेंट की वजह से क्या हुआ आपकी डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट हुई है अगर डिमांड करो लेफ्ट में शिफ्ट हुई है इसकी वजह से देखो पहले तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर था अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर है ठीक है ये वाला तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया पहले वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था उसके बाद अब जो तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया यानी डिमांड करो लेफ्ट में शिफ्ट होने की वजह से जो नया पॉइंट है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर प्राइस भी कम है राइट और क्वांटिटी भी कम है सो so, when डिमांड shifts इन लोअर quantity डिमांडेड एट ईच प्राइस ठीक है सो लोअर पी Q क्यू तो equilibrium पॉइंट भी नीचे आ गया और equilibrium प्राइस भी और equilibrium quantity भी अगर सप्लाई शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट में अगर सेम चीज को आप ध्यान रख सकते हो डिमांड को अगर बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे ठीक है सपोज यहां शिफ्ट कर दिया हमने तो ये वाला पॉइंट होगा तो इक्वर पॉइंट बढ़ गया और इस पॉइंट के ऊपर इक्वरम क्वांटिटी भी आपकी ज़्यादा होगी ठीक है और इक्लिवरम प्राइस भी आपका ज़्यादा होगा सप्लाई लाइन को शिफ्ट करते हैं सप्लाई कर को शिफ्ट करते हैं सप्लाई कर को अगर लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो देखो एस वन आपका इनिशियल था एस टू आपकी बाद वाली सप्लाई लाइन है तो शिफ्ट करने के बाद जो दोनों मिल रही है डिमांड के साथ जहाँ मिल रही है ये वाला पॉइंट तो क्या हुआ आपका इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया सेकेंडली ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस भी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आपका बढ़ गया यहां पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी कम हो गई है ठीक है सप्लाई कर को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो ये सारे ग्राफ दिए आपस में इन्होंने इस पहले ग्राफ में इन्होंने दिखाया कि अगर डिमांड कर राइट में शिफ्ट होती है तो देखो डिमांड कर राइट में शिफ्ट की तो क्या हुआ उससे आपका नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बढ़ा है उसके साथ में जो कमन्सूरेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ गई है यहाँ पर ये क्या किया डिमांड कर्व को इन्होंने लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो अभी पढ़ा हमने पहले ही जस्ट अभी इक्लिब्रम क्वांटिटी एंड इक्लिब्रम प्राइस दोनों कम हो गए यहाँ पर आपका सप्लाई शिफ्ट किया सप्लाई अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट किया है सप्लाई कार को तो यहाँ पर क्या हुआ आपका इक्लिब्रम क्वांटिटी बढ़ गई है देखो लेकिन इक्लिब्रम प्राइस जो है वो कम हो गया सप्लाई साइड को लेफ्ट हैंड में शिफ्ट किया है तो देखो एस टू लेफ्ट हैंड में शिफ्ट किया हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ प्राइस आपका इंक्रीज कर गया ठीक है जबकि क्वांटिटी इन सप्लाई आपकी रिड्यूस हो गई है ये दोनों को एक साथ देख के हम कह सकते हैं ये देखिए यहाँ पर एस एस वन डी डी वन ये अलग अलग लेवल्स पे हैं सो अगर हम देखें आ, स्टार्टिंग में एस और डी इस लेवल पे और फिर उसके बाद एस वन डी वन एक डिफरेंट लेवल पे बट दोनों में क्या है इक्वल चेंज है एस से एस वन जाने में d से d1 जाने में सपोज करो कि s1 से s गया s से s1 गए तो s से s1 जाएंगे तो डिक्लाइन होगा s का और d से d1 गए तो सेम वही पर या इंक्रीज करेंगे तो d1 से d और इंक्रीज करेंगे सप्लाई में तो s1 से s लेकिन दोनों में इक्वल है प्रोपोर्शनेट है तो जब भी प्रोपोर्शनेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम लेवल पे है ठीक है e वन या e दोनों टाइम पर इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम लेवल पे इफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई सेम इन द सेम डायरेक्शन समझ आ गए बस फर्क कहाँ पड़ेगा प्राइस और क्वांटिटी देखो यहां पर दोनों में अगर इक्ट इक्लिब्रियम प्वाइंट सेम है तो प्राइस आपका सेम आ रहा है क्वांटिटी में फर्क पड़ रहा है तो इक्लिब्रियम प्राइस सेम है आपका यहाँ पर इक्ब्रियम प्राइस सेम रहेगा क्वान्टिटी आपकी चेंज होगी क्यूब वन एंड क्यूब अगर आप एस वन से एस जाते हैं तो एस वन के अकॉर्डिंगली क्यू वन आपकी क्वांटिटी थी एस अगर आप गए हैं तो यानी राइट हैंड में शिफ्ट किया आउटवर्ड शिफ्ट किया तो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज कर गई है ठीक है ये वही बताया इक्विलिब्रियम प्राइस जिस प्राइस के जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उस इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी इन सप्लाइड है वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी ये बता रहा है प्राइस विल राइज इफ डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई रिमेज द सेम ठीक बात है और सप्लाई अगर इंक्रीज करती है तो प्राइस फॉल कर जाएगा प्रोवाइडेड डिमांड रिमेज द सेम सो डिमांड एंड सप्लाई इसी तरह से आपस में रिलेट करती है नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन विच वन ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू फर्स्ट इज इफ इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अगर डिमांड और सप्लाई में इंक्रीज इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो प्राइस विल रिमेन अनचेंज ब इक्लिब्रियम क्वान्टिटी विल इंक्रीज तो अभी जस्ट हमने पढ़ा देखो यहाँ पर इस कर् के थ्रू ग्राफ के थ्रू यहाँ पर इंक्रीज दोनों में हो रहा है समझ रहे हो देखो यहाँ पर इफ इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई और डिमांड और सप्लाई में इक्वल मैग्नीट्यूड का इंक्रीज है तो इक्लिब्रियम इक्लिब्रियम पॉइंट आपका ईवन से ई गया है ठीक है इवन और ई दोनों सेम प्राइस के ऊपर है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ द प्राइस विल रिमेन अनचेंज बट इक्म क्वांटिटी विल इंक्रीज तो क्यूबन से क्वांटिटी क्यूब पे चली गई यहां पे, तो so, क्या मतलब इक्लिब्रम क्वांटिटी हैज इंक्रीज और राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू इज करेक्ट सेकेंड इफ इंक्रीज इन डिमांड इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड

ये कर सकते हो सप्लाई को कांस्टेंट रख के डिमांड वाला ग्राफ देख लो ठीक है ये देख सकते हो डी डी वन से डी चला गया ग्राफ नंबर वन राइट तो यहाँ पर क्या हुआ डिमांड से सप्लाई से डिमांड बढ़ रही है राइट right? तो क्या हुआ आपका आपका प्राइस भी बढ़ा है यहाँ पर और क्वांटिटी भी बढ़ गई है तो ग्राफ नंबर वन सेकंड स्टेटमेंट के लिए ठीक है थर्ड स्टेटमेंट इफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन इंक्रीज इन डिमांड ये कह रहे सप्लाई ज्यादा बढ़ी है डिमांड डिमांड से so, अगर से सो अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ी है तो क्या होगा इसका मतलब एक बार डिमांड को फिक्स रख के देख लो और सप्लाई बढ़ा लो सेम ही बात पड़ेगी तो डिमांड को सेम रखो सप्लाई बढ़ाओ तो ग्राफ नंबर थ्री ग्राफ नंबर थ्री में क्या है डिमांड हमने सेम रख ली सप्लाई बढ़ा ली है तो क्या होगा प्राइस आपका कम हुआ है ठीक है देखो और क्वांटिटी बढ़ी है तो प्राइस डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस स्टेटमेंट ही है क्या देखते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल ठीक है प्राइस कम हुआ है बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज डेफिनेटली सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू सो ऑल थ्री आर ट्रू ऑल थ्री आर करेक्ट नेक्स्ट इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए द प्राइस एट विच भाई इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है कम्योनिटी का जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड सेम होंगी तो वो प्राइस ही क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होगा इजंट इट ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है वहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है ठीक है ना तो वेरिएबल शो नो टेंडेंसी टू चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन The working of the price mechanism in a free market economy refer to which of the following? ki free market economy mein kya hota hai price mechanism kaise aata hai demand and supply se first option will be correct interplay of forces of demand and supply next question durable goods. Wo goods hai, bar bar use goods तो ये बता रही है ये वो goods हैं जो कि बार बार हम use कर सकते हैं for a long period of time दो जार कोल्ड durable use goods अब durable use goods में दो तरह के goods हैं one is durable use कंज्यूमर गुड्स सेकंड ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स सो ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स कौन से वे अपने कॉमन अपने यूज के की टीवी है फ्रिज है स्कूटर है बाइक है कार है ये सारे क्या हैं ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स इनको बार बार यूज कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेम वे ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी देख लो क्या होता है मशीन होती हैं आपकी टूल्स होते हैं ट्रैक्टर हैं इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं एंड दीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी नेक्स्ट इज पब्लिक गुड पब्लिक गुड्स कौन से हैं ये वो गुड्स हैं जो कि कलेक्टिवली ओन होते हैं और कलेक्टिवली ही यूज किए जाते हैं बाय द सोसाइटी ठीक है सो कलेक्टिवली ओन्ड एंड एंजॉयड बाय द सोसाइटी एज ए होल पूरी सोसाइटी एज ए होल उसको एन्जॉय करती है फॉर एग्जाम्पल रोड्स हैं पार्क है स्ट्रीट लाइट्स हैं ब्रिज वगैरह हैं रेलवे है ये सब क्या है पब्लिक गुड है और ये सभी को अवेलेबल होते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स मे प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स दोनों यूज कर दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं पब्लिक गुड को ऐसा नहीं कि प्राइवेट ने कुछ काम किया तो पब्लिक गुड होगा ही नहीं होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ कैन प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स वन ऑफ द फीचर इज नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी नॉन राइवलरी मीन्स की एक अगर वो कंज्यूम करता है तो दूसरे के लिए कम ऐसा नहीं कम अवेलेबल होगा तो आपस में राइवलरी नहीं है कि एक कंज्यूम करेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा ठीक है ऐसा नहीं है एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी मतलब कि अब कि गुड्स अगर प्रोवाइड हो गया तो ऐसा नहीं कि उसको आप बाद में उसको एक्सक्लूड कर दें वंस गुड्स इज प्रोवाइड गुड्स अगर प्रोड्यूस कर दिया गया है यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम बेनिफिटिंग इट फॉर एग्जाम्पल लाइट हाउसिस लाइट हाउस आपका क्या हुआ लाइट हाउस पब्लिक गुड ठीक है क्वेश्चन करते वट इज मेंब्लिक गुड बी ऑप्शन डायरेक्टली देखो सिंपल सा समझ में आ रहा है एक कम्युनिटी हूज बेनिफिट्स आर इंडिविजुअली स्प्रेड अमंगी पूरी कम्युनिटी जो है उसके बेनिफिट्स को यूज करती है फर्स्ट देखो कम्युनिटी प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट नहीं भाई प्राइवेट वाले भी हम इंक्लूड करते हैं या पूर हाउस होल्ड वहाँ तक लिमिटेड तो नहीं है पॉपुलर अमंग जनरल पब्लिक नहीं पॉपुलरिटी कोई प्रोविजन नहीं है इसका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक गुड कौन सा पब्लिक गुड नहीं है डिफेंस बिल्कुल पब्लिक गुड है लाइट हाउस अभी पढ़ा हमने लाइट हाउस भी पब्लिक गुड है पब्लिक पार्ट्स बिल्कुल है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अब कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक गुड कैसे नहीं है देखो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बिल पे कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का तो ही आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पाते हो ठीक है अगर आप बिल नहीं पे कर रहे हो तो कनेक्शन काट दिया जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का सो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए पब्लिक गुड मैरिट एंड डी मैरिट गुड्स मैरिट गुड्स से वो गुड्स हैं जो कि ओवरऑल बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए ठीक है डी मेरिट गुड्स जो कि हार्म कोज करते हैं सोसाइटी को तो मेरिट गुड्स कौन से वे जैसे कि एजुकेशनल को स्कूल दें तो मेरिट गुड है ठीक है कोई मेडिसिन बनाई फार्मा कंपनी ने तो वैक्सीन क्या भी अब जैसे कोरोना की कोई वैक्सीन आ जाती है तो एक तरह से मेरिट गुड भी सोसाइटी के लिए फायदेमंद है वो राइट डी मेरिट गुड्स सोसाइटी के लिए हार्म कोज करते हैं नुकसानदायक है फॉर एग्जांपल सिगरेट पीते हैं अल्कोहल सिगरेट होती है अल्कोहल है टोबैको प्रोडक्ट्स हैं ये डी मेरिट गुड्स हैं तो मेरिट गुड्स को तो प्रमोट करने के लिए सरकार जो है टैक्सेस कम कर देती है सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देती है कई बार डीमेरिट गुड्स को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेज इंक्रीज करती है हम देखते हैं डीमेरिट गुड्स पे बहुत ज्यादा टैक्सेज होते हैं राइट तो इसी के लिए टैक्स कौन सा यूज करते हैं टैक्स क्या नाम है सिंटैक्स सो सिंटैक्स इज अ टैक्स ऑन द डीमेरिट गुड्स नेक्स्ट होर्डिंग होर्डिंग क्या होता है होर्डिंग आपकी जमाखोरी हो है कि आप आ, कोई भी लोग अगर कमोडिटी को जमा करके रख लेते हैं तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल स्कॉसिटी आ जाती है आर्टिफिशियल कमी हो जाती है मार्केट के अंदर और उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज करने लग जाते हैं सो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट इज़ द एक्ट बेसिकली इस जमाखोरी या इसको रोकने के लिए अभी अभी भी जो रिसेंटली जो है असेंशियल कम्योनिटीज़ एक्ट को अमेंड किया जा रहा है एज़ पर द आत्मनिर्भर भारत अभियान में अनाउंसमेंट किया गया था कि देर आर सर्टेन कमोनिटीज़ जो है पेरिशेबल आइटम्स है लाइक टॉप्स है टोप्स में क्या होता है टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो सो टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो जो है वो पेरिशेबल आइटम से बाहर रखे गए हैं राइट right? अभी कह रहे हैं कि बहुत सारी कम्योनिटीज़ को भी जो है इसके अकॉर्डिंगली बाहर रखा जाएगा और बहुत सारी कम्योनिटीज़ को डी रेगुलेट किया जाएगा डी रेगुलेट का मतलब कि उनको असेंशियल कम्योनिटीज़ एक्ट से बाहर निकाला जाएगा इसका पर्पस क्या है बेसिकली एसेंशियल कम्योनिटीज एक्ट से हम कंज्यूमर uh, के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं कि प्राइस राइज ना हो पाए कोई जमाखोरी नहीं करेगा तो प्राइस राइज नहीं हो पाएगा तो प्राइस राइज नहीं हो पाएगा किसका इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है इन्फ्लेशन कम रहेगी बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स uh, भी हैं क्योंकि बहुत बार किसानों को uh, uh, फसल की कटाई के बाद अपने गोडाउंस में रखना पड़ता है कहीं और पे आगे इंडस्ट्रीज को गोडाउंस में रखना पड़ता है बिकॉज एक्सपोर्ट करना है आगे सीजनल वेरिएशन रहता है तो वहाँ पर भी स्टॉक करके रखना पड़ता है राइट तो आ, किसानों को इसलिए करना पड़ता है ताकि डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े डिस्ट्रेस सेल यानी अभी एकदम से सरप्लस प्रोडक्शन होगी बम्पर प्रोडक्शन है तो उसकी वजह से रेट एकदम गिर जाएंगे अगर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा रहेगा हमेशा वो सारी रहेंगी तो आ, उनको स्टॉक नहीं कर पाएंगे तो सस्ते में सारी फसलें बिक जाएंगी तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल ठीक है तो इसकी बजाय बेटर ऑप्शन है कि पूरे साल उसकी सप्लाई बनी रहे तो उसको स्टॉक कर लेते हैं और ये किसानों के लिए बेटर प्राइसेस लेके आता है फॉर ए बेटर प्राइस डिस्कवरी राइट तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी एसेंशियल कम्योटीज एक्ट को हटाने के लिए बोला था और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर जो है इसको रिफॉर्म करने की बात की है एसेंशियल कम्योडिटीज एक्ट के अंडर से बहुत सारे आइटम्स को डीरेगुलेट किया जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली मोनोपोली आपको पता ही है कि कुछ एक किसी भी कंपनी या फर्म का अगर डोमिनेंस है वही आपकी प्रोडक्शन निकाल रही किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का तो उसकी मोनोपोली है वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की मोनोपोली अभी तक एटोमिक एनर्जी डिफेंस में रही है राइट लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सभी सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो है मोनोपोली नहीं रहेगी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर जो है रिसेंटली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ये इसको ध्यान में रखना है मोनोपोलिस्टिक देखो मोनोपोली अलग है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अलग है कि मोनोपोलिस्टिक है कि सेलर्स तो बहुत सारे हैं देखो मोनोपोली में केवल एक ही सेलर है वही बेच रहा है तो मोनोपोली उसकी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है मार्केट में ठीक है किसी भी कॉमोडिटी के लेकिन वो प्रोडक्ट्स आपस में थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा डिफर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज द बेसिक फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ठीक है ध्यान में रखोगे इसको ध्यान में रखना है एग्जाम्पल इसका रेस्टोरेंट्स अब देखते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं ठीक है लेकिन थोड़ा थोड़ा टेस्ट वेरी कर सकता है कोई साउथ इंडिया के फूड बना रहा है कोई कैसा बना रहा है थोड़ा टेस्ट में वेरी हो सकता है कोई मुरथल के पराठे खाने जाता है कोई इधर राउ ढाबे के खाता है तो हो सकता है थोड़ा टेस्ट वेरी करे कुछ आइटम्स के रेस्टोरेंट्स के, रेस्ट के आपस में आ, सेम आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे लेकिन थोड़ा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन रख सकते हैं राइट टूथपेस्ट की मार्केट है भाई कई बार ऐड नहीं देखते हम कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है है ना आपके टूथपेस्ट में है क्या सेम वे सेंसोडाइन टूथपेस्ट वो अपनी अलग मार्केटिंग करता है तो टूथपेस्ट प्रोडक्ट सेम है बट प्रोडक्ट है आपस में परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट और परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात है जिसमें कि आपके मल्टीपल नंबर ऑफ सेलर्स हैं और सेम प्रोडक्ट के तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज सपोज टू बी द बेस्ट तो मानते हैं जैसे कि परफेक्ट मार्केट बेस्ड डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आपका डिसाइड होता है प्राइसेस ओलीगोपोली ओलिगोपोली जब मल्टीपल आपके कुछ सपोज करते हैं दो तीन या चार जो लोग हैं चार फॉर्म रहती हैं दो तीन के अराउंड जो कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में डोमिनेंट है, हैं जो कि पूरा कब्जा जमा के रख बैठे हुए हैं सेलर्स हैं लेकिन सेलर्स बहुत कम हैं लिमिटेड हैं दो तीन कह सकते हैं तो वो ओलीगोपोली है कुछ ही लोगों का अगर डोमिनेंस है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस तीन चार ही बच्ची हैं आजकल तो दो तीन ही बच्ची हैं वोडाफोन एयरटेल और वो भी बड़े आजकल बहुत ही इकोनॉमिक स्ट्रेस से जा रही हैं कार इंडस्ट्री एयरलाइंस कह सकते हो कुछ ही हैं ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं ऐसे डिओपोली डिओ ऐसे हैं जो कि केवल दो ही सेलर्स का डोमिनेंस है दो ही सेलर्स हैं बस ठीक है तो वो दो लोगों की मोनोपोली होगी कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओला उबर राइट So, जो कैब एग्रीगेटर्स है सो कैब एग्रीगेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीओपोली तो कैब एग्रीगेटर में कॉन्सेप्ट ओला एंड उबर ये दो ही है यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं ए मार्केट सिचुएशन फर्म्स सेल सिमिलर बट आइडेंटिकल प्रोडक्ट आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं टूथपेस्ट है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है किसी के में नमक है किसी का सेंसोडाइन है ठीक है ना जो सेंसिटिविटी ना आए तो क्या हुआ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अभी पढ़ा था हमने

अब देखो ऑप्शन पढ़िए पढ़िएगा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंश डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कंप्लीट फ्रीडम इन इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स लाइफ एंड एबसेंस ऑफ रही ये तो नहीं हो सकता मैनी कंपनीज सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट विद फ्री एंट्री ठीक है तो बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होगा uh, आप सिमिलर प्रोडक्ट भी सिमिलर प्रोडक्ट सेल करेंगे विद अ फ्री एंट्री और बहुत सारी कंपनीज आप सेल कर सकते हैं राइट right? इसको टिक करते मैनी कंपनी सेलिंग सिग्नल प्रोडक्ट्स विथ फ्री एंट्री पैरल इकोनॉमी पैरल इकोनॉमी देखो आपकी ब्लैक मार्केट इकोनॉमी को पैरल इकोनॉमी बोलते हैं एक तो आपका व्हाइट मनी आपका सर्कुलेट हो रहा है हर जगह वो पूरी इकोनॉमी जो है व्हाइट मनी बेस्ड इकोनॉमी है लेकिन साथ के साथ में एक ब्लैक ब्लैक मनी है जो ब्लैक मनी जो सर्कुलेशन में चलता रहता है इसे बताते हैं कि इंडिया में बहुत लार्ज एक पैरल इकोनॉमी है जो कि ब्लैक मनी से रेगुलेट हो रही है ब्लैक मनी जहां पर चल रहा है तो वो एक पैरल इकोनॉमी है ठीक है एंड थर्ड टू डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू का लॉस होता है इसकी वजह से सबसिस्टेंस इकोनॉमी तो सबसिस्टेंस नाम से पता है जो कि केवल अपनी जरूरत की चीज़ों को पूरा कर पाए सबसिस्टेंस उसी को बोलते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आपने सुना होगा जो केवल अपना पेट भर पाए इतनी खेती करते हैं उसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं सेम सब्सिस्टेंस इकोनॉमी तो यह है जो कि अपने नेचुरल रिसोर्सिस पे डिपेंड करती है फॉर बेसिक नीड्स फॉर एग्जाम्पल हंटिंग गैदरिंग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और सब्सिस्टेंस इकोनॉमी हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम में जस्ट एक टर्म्स के अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि क्या मतलब इनका गिग इकोनॉमी पता होना चाहिए आपको गिग इकोनॉमी आपका बेसिकली एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन पे आजकल काफी पॉपुलर है टर्म यह गिग इकोनॉमी कॉन्ट्रेक्चुअल रेशंस पे ये डिपेंड करती है ठीक है बिटवीन द कंपनीज एंड द वर्कर्स तो पर, वर्कर परमानेंट नहीं होता इस कंपनी में फ्री लेंसिंग पे काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल ओला है ऊबर है ये ड्राइवर्स जब मन के काम किया पैसे कमाए घर चले गए कोई दिक्कत नहीं है जब तक जब काम करना चाहो काम करते हैं नहीं करना चाहे नहीं करते हैं तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है ठीक है तो गिग इकोनॉमी है एक मेजर आजकल गिग इकोनॉमी काफी पॉपुलर हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में भी इट इज एक्सपेंडिंग है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है सेकेंडली right? इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट होता है पर्सन ट्राइज टू गिव बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में है तो लेकिन नेगेटिव क्या है एक्सप्लोटेशन होने के चांसेस हैं वर्कर्स के बिकॉज वो फिक्स्ड एम्प्लॉय नहीं है परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उनको सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी राइट दिस बिकम्स द नेगेटिव ऑफ इट सर्कुलर इकोनॉमी ये सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली देखो एक लीनियर इकोनॉमी होता है आपने कुछ चीज बनाई उसको यूज किया डिस्पोज कर दिया ठीक है लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे जो भी प्रोडक्शन कोई भी रिसोर्स है मैक्सिमम वैल्यू से एक्सट्रैक्ट करो यूज करो मैक्सिमम टाइम तक और रिकवर करो रीजनरेट करो प्रोडक्ट्स को ठीक है तो एक तरह से सर्कुलर टाइप में यूज री ठीक है और डिस्पोज ऑफ नहीं करना मैक्सिमम उसे निकालते रहो ठीक है उसको फिर दोबारा से आ, हो सकता है रीजनरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को तो, तो, तो रीजनरेट करो फिर से उनको दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी अब कुछ कर्ज कर लेते हैं इकोनॉमी में कुछ कर्ज इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं फर्स्ट इज फिलिप्स कर में आपका इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट को आपस में लिंक किया है इन्होंने ठीक है तो किस तरह से ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट अगर इंक्रीज करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम होता है तो इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाएगी तो so, अनुप्लॉयमेंट अगर कम कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन क्या हो रहा है यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है देखो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा ज्यादा लोग काम करेंगे ज्यादा लोग काम करेंगे तो उससे क्या होगा उनकी पास ज्यादा इनकम होगी खर्च करने को डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी ज्यादा लोग खर्च करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी पैसे की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया दट इज फ्लिप्सकार्ट तो सिंपल सा को इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच लिंक्ड है ध्यान याद कैसे रख सकते हो देखो फिलिप्स अगर बेरोजगारी है सपोज करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे क्या होगा भाई घर बैठे तुम घर बैठोगे काम तो है नहीं घर बैठ के क्या करोगे फिलिप्स का कोई रेडियो वगैरह सुनोगे तुम बैठ के है ना आजकल घर बैठे हो फिलिप्स ट्रिमर यूज कर रहे हो घर बैठे हो सारे तो अपने तो अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड है इसको याद रखने का तरीका बस आपको बता रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक है अनएम्प्लॉयमेंट का ध्यान आती आना चाहिए महंगाई बढ़ गई है महंगाई बढ़ गई तो आप फ्लिप्स ट्रिमर यूज करके खुद ही अपने ट्रिमिंग कर रहे हो बेरोजगारी है ठीक है ना ये इस तरह से ये बेटर रहेगा याद रखना कि अनएम्प्लॉयमेंट है बेरोजगारी है घर बैठे हो घर बैठे हो तो भाई महंगाई भी बढ़ रही है तो फिलिप्स का ट्रिमर आपने यूज किया है ठीक है सीरियसली <laughs> नहीं लेना बस याद रखने का एक तरीका है डेट सेट कुजनेट कर्व कुजनेट कर्व आपको रिलेट करता है इनकम इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम यानी ग्रोथ और इक्वालिटी ये देखिए पर, ग्रोथ ग्रोथ को इन्होंने किया है पर कैपिटा इनकम से और इक्वालिटी को इनकम इन इक्वालिटी सो एक तरफ तो इनकम इन इक्वालिटी है और एक तरफ पर कैपिटा इनकम है सो so, क्या बता रहा है अब इनवर्टेड यू कर रहे कुजनेट कौर कैसे

ग्रोथ अगर बढ़ रही है इनकम पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो रही है मतलब डेवलपमेंट हो रही है ग्रोथ बढ़ रही है इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ रहा है बिकॉज रिसोर्सेज को हम ज्यादा यूज़ कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन हो रहा है पोल्यूशन हो रहा है ये सारी चीज़ें हो रही है लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसके बाद लोगों में समझ आनी स्टार्ट हो जाती है पीपल गेट मोर अवेयर और उस लेवल के बाद क्या होगा पीपल विल बी मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लगेगी फिर राइट right? तो फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा तो ये भी आपकी इन्वर्टेड यू कर्व है लोरेंस कर लोरेंस कर आपकी एक तरफ आपका पॉपुलेशन है दूसरी तरफ आपकी इनकम है और ये हम बेसिकली देखते हैं इनिक्वालिटी को ही मेजर करने का कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग पीपल कैसे है वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब कि इन कितनी इनक्वलिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, in है कि नहीं है ये जो आपका वायलेट uh, कलर की लाइन है दिस शोज द परफेक्ट इक्वालिटी लाइन ऑफ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये वायल कलर लाइन जो है राइट right? नीचे तो दिया कंट्री एक्स कंट्री वाई ये रियल एक्चुअल में लाइन है कि ये जितना इस मिडिल लाइन के स्लोप के लाइन के अलोंग होंगे जितना इस तरफ जाएंगे उतनी ही इक्वेलिटी इंक्रीज करेगी उतना ही वेल्थ में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा जितना इस लाइन से दूर जाएंगे टुवर्ड्स जाएंगे उतनी ही इनइक्वलिटी बढ़ेगी राइट उतनी ही वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगी दैट इज अबाउट लोरेंस कर नेक्स्ट देखते हैं इसी को लोरेंस कर को ही बताया इन्होंने कि कैसे ये लोरेंस है राइट right? ये बीच वाली लाइन जो है ये लाइन ये वाली लाइन जो है इक्वलिटी वाली लाइन है ये वाली लाइन लॉरेंस कर्व है एक्चुअल में किसी कंट्री की कर्व क्या है इस तरफ जाएगी तो इक्वलिटी बढ़ेगी ये लाइन अगर इधर आती है तो इनक्वलिटी बढ़ती है सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ के बारे में है ये इसी के थ्रू हम गिनी कोफिशन निकालते हैं लॉरेंस कर्व के थ्रू गिनी कोफिशन का ये फॉर्मूला है आप देख सकते हैं सपोज करते हैं ये रेड कलर की जो लाइन है ये आपकी लाइन है इक्वलिटी की Perfect, equality, राइट right? और ये वाली लाइन है जो ऑरेंज लाइन है ये लाइन आपकी किसकी है ये एक्चुअल लाइन है किसी भी कंट्री की जो है सो so, इक्वेलिटी और इस लाइन के बीच में जो लाइन रियल एक्चुअल लाइन है इसके बीच में जो एरिया है उस एरिया को ए इन्होंने डिनोट किया है और इस लाइन और जो इनइक्वालिटी की लाइन है सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसका हुआ फिर होरिजेंटल एक्सिस इनक्वालिटी की लाइन भी so, जितना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पास लाइन होगी उतनी ही इनक्वेलिटी जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी जितनी ये लाइन ऊपर की तरफ होगी इस बीच वाले लाइन की तरफ इक्वेलिटी की तरफ तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा तो एरिया एरिया आपको समझ में आ गया एरिया आपका ऊपर वाला एरिया ए और नीचे वाला एरिया सो इक्वेलिटी वाली लाइन के साथ में जो एरिया है वो ए है और इस लाइन का इनक्वलिटी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो एरिया वो बी है सो गिनी कोफिशन इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी अब इसको देख लेते हैं अगर गिनी कोफिशियंट वन है राइट गिनी कोफिशियंट वन का मतलब क्या हुआ ए इक्वल्स ए प्लस बी अब ए इक्वल्स ए प्लस बी कब होगा एंड बी जीरो बी जीरो कब होगा आपकी एक्चुअल लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है।

दिस लाइन इज अलॉन्ग द परफेक्ट इक्वलिटी लाइन सो गिनी का ऑप्शन जीरो का मतलब परफेक्ट इक्वेलिटी बिकॉज ए बिकम जीरो इन दट के ऑप्शन बिकम जीरो और ए अगर जीरो होता है सो दिस लाइन इज अलोंग द परफेक्ट इक्वेलिटी वाली लाइन लाफर कर लाफर कर आपकी यह भी इन्वर्टेड यू करव है यह आपका टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेट के बीच में आपका कर्व है फिर से हमने देखना है कि टैक्स रेट जैसे इंक्रीज करते हैं तो एक लेवल तक टैक्स रेवेन्यू आपका इंक्रीज करता है और उसके बाद जो है एक लेवल तक इंक्रीज करेगा उसके बाद भी अगर हम टैक्स रेट इंक्रीज करते रहते हैं तो टैक्स रेट विल सॉरी टैक्स रेवेन्यू विल डिक्लाइन क्यों होता है ऐसा क्योंकि स्टार्टिंग में तो देखो टैक्स रेट इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करेगा लेकिन एक लेवल के बाद लोगों को लगने लगेगा भाई ये तो टैक्स रेट बढ़ा जा रहे हैं तो लोग बाग जो है टैक्स इवेजन स्टार्ट कर देंगे लोग टैक्स पे ही नहीं करना स्टार्ट करेंगे टैक्स ही नहीं पे कहेंगे भाई कमाते तो हम एक लाख है सॉरी कमाते सपोज कर दस लाख है दस लाख में से अगर आप टैक्स दो ढाई लाख तक लो तीन लाख चलो जो भी है अगर आप टैक्स जो है सपोज दो दो ढाई लाख भी काफी टैक्स हो जाता है सपोज अगर आप टैक्स ज्यादा ले रहे हो तो लेवल तक ही देंगे ना दस लाख के इनकम में से लोग चालीस पचास साठ हजार एक लाख तक टैक्स दे देंगे उससे ज्यादा भी आप लोगे पांच लाख टैक्स लोगे तब तो थोड़ा ना टैक्स लोग टैक्स देंगे तो उस टाइम पर लोग जो है इवेजन स्टार्ट कर देते हैं सो दैट्स इज यू कर फॉर द लाफर जे कर जेकर जेकर क्या था हमारा जेकर हमारा ये कर था ये जेकर आप देख लीजिए इस कर को बेसिकली ये बताता है कि इनिशियली कोई भी सिचुएशन है यहाँ पर किस सेंस में वही बताएंगे बट जनरल सेंस में क्या जेकर यूज़ होता है कि कहीं पर भी अगर सिचुएशन डिग्रेड होती है इनिशियली कोई भी चीज़ बढ़ाने या कम करने सिचुएशन को कोई भी किसी भी एक वेरिएबल को डिग्रेड करने पर इनिशियली आपकी ओवरऑल सिचुएशन ख़राब होती है मीन्स फर्म की या कंपनी की इकोनॉमी की एक बार जनरल सेंस में बात करते हैं उसके बाद इम्प्रूव करना स्टार्ट करती है देखो ठीक है ना यहां पर हम बात कर रहे हैं इन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बैलेंस या करंट अकाउंट बैलेंस या बैलेंस ऑफ पेमेंट बात कर सकते हैं सो so, एक तरफ हम बात करेंगे कि विद टाइम डेप्रीशियेशन हैपन्स डेप्रीशिएशन इन करेंसी अगर डेप्रीशिएशन होता है करेंसी में सो इनिशियली दिस इज करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे की तरफ सो करंट अकाउंट डेफिसिट विल राइज भाई बिल्कुल ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ रहा है डेप्रीशन तो डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है कि करेंसी की वैल्यू आपकी गिर गई है ठीक है करेंसी की वैल्यू गिर गई मतलब कि सपोज करो एक डॉलर में साठ रुपए थे अब करेंसी की वैल्यू हमारी रुपये की गिर के एक डॉलर में सत्तर रुपये हो गए तो अब हमारा तो बहुत सारा ऑयल इम्पोर्ट होता है बाहर से महंगाई भी बढ़ जाएगी ठीक है ना मतलब बाहर से ऑयल इम्पोर्ट होता है इतने सारे हम इम्पोर्ट्स हमारे बहुत एक्सपेंसिव हो गए इसकी वजह से क्या होगा इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा कि इम्पोर्ट्स हमारे कॉस्टली हो गया बट एक लेवल के बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने लगेगा और ये बाद में करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाएगा मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाएगा आपका राइट right? वो क्यों क्योंकि इस लेवल के बाद हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट लेने लगेगी उस टाइम पर इट मीन्स Uh, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं वो बूम करने लगेंगी बिकॉज एक्सपोर्ट्स को फायदा होता है जैसे ही करेंसी डिप्रिशिएट होती है एक्सपोर्ट्स को फायदा हो रहा है बिकॉज सपोज करें कि कोई भी उन्होंने सर्विसेज या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं सो so, पहले उनको एक डॉलर के बदले साठ रुपए मिल रहे थे अब एक डॉलर के बदले सत्तर रुपए मिलेंगे तो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर देंगे इन द इंटरनेशनल मार्केट और प्रोडक्ट विल बी मोर कॉम्पेटेटिव एंड वेन आवर प्रोडक्ट्स आर मोर कॉम्पेटेटिव मोर एक्सपोर्ट्स तो वही चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि जे जेकर उसे कैसे ये इनिशियली uh, अगर हम करेंसी डेप्रिशिएट करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज करेगा और एक पॉइंट के बाद जो है ट्रेड डेफिसिट कम होने लगेगा एंड इट एंडोज द जे पाथ सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच आज के लिए हम इतना ही रखेंगे uh, दो इसमें हमने तो पढ़ा है काफी कुछ बेसिक टर्म्स थे कुछ माइक्रो का भी पार्ट था सो so, uh, इसमें से काफी कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जाम में बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था बिकॉज अदरवाइज बहुत सारी टर्म्स वगैरह मुझे बाद में एक्सप्लेन करनी पड़ती सो so, uh, मैं उस चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आई हैव टेकन दीज बेसिक टर्म्स बेसिक थिंग्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्सेप्टॉमी एट द फर्स्ट स्टैंड तो इन चीज़ों को आपको समझना है ठीक है मेन क्वेश्चन जो आने स्टार्ट होंगे आपके एग्जाम में वो फर्स्ट लेक्चर के बाद से आने स्टार्ट होंगे अभी भी हमने देखे क्वेश्चन आप कर पाएंगे जो यहाँ तक के जो लिमिटेड है वो क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे राइट right? सो so, just go through this video once again and or you can uh, if you have any questions any, any doubts you can ask your doubts in this channel you can join this channel our telegram channel description is given in the link below in the description below and uh, there are certain many uh, some civil servants who are leading this group will try to help you out will try to solve your doubts any queries you have and wait for the next lecture we'll complete the whole Crash course of economy in uh, very uh, in, in the very next coming few days. Thank you very much.